नमस्कार, मैं प्रोफेसर राम बक्स, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। आज हम ईपीजी पाठशाला हिंदी के प्रश्न पत्र हिंदी गद्य कथा साहित्य की एक इकाई पर चर्चा करेंगे। वह इकाई, उस इकाई का शीर्षक है उपन्यास का पठन पाठन। इस प्रश्न पत्र में हम मुख्यतः कथा साहित्य के अंतर्गत चर्चा करेंगे और इनकी प्रमुख रचनाएं जो भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है और सर्व स्वीकृत और मान्य रचनाएं हैं, उनका हम अध्ययन अध्यापन आपके साथ में करेंगे। उनमें कुछ कहानियां हैं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं और दो तीन महत्वपूर्ण हिंदी के उपन्यास हैं, उन उपन्यासों की हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कहानी और उपन्यास को कैसे पढ़ा जाए, एक सामान्य व्यक्ति उपन्यास पढ़ता है, कहानी पढ़ता है, और एक गंभीर साहित्य का विद्यार्थी पढ़ता है, या एक विद्यार्थी जो परीक्षा देने के लिए जो पढ़ता है, उनके पढ़ने के क्रम में थोड़ा सा फ़र्क होता है। और अगर आप उस फर्क को जान लेंगे तो उस रचना की बारीकियों को ज़्यादा अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। इसलिए आज हम कोई शास्त्रीय विवेचन नहीं करेंगे, एक सामान्य पाठक किसी रचना को जो पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, और पढ़ने के क्रम में उसके मन में जो विचार आता है, उस विचार के बारे में हम बात करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के उपरांत आप निम्नलिखित बिंदुओं को समझ पाएंगे। साहित्यिक विधा के रूप में आप उपन्यास की प्रकृति को समझ पाएंगे, उपन्यास के लिए आवश्यक सामग्री के बारे में जान पाएंगे, फिर आप उपन्यास के विविध हिस्सों को पहचान पाएंगे और अंत में उपन्यास की पाठ प्रक्रिया का अध्ययन कर पाएंगे। ये कुछ बिंदु हैं जिन बिंदुओं को आप इस इकाई के माध्यम से जान पाएंगे। उपन्यास की चर्चा करते समय हमें जिस बात पर सबसे अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, या जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कि उपन्यास भी कविता और कहानी नाटक की तरह से एक साहित्यिक विधा है और उसकी साहित्यिकता पर हमें ध्यान देना चाहिए। आम तौर से क्या होता है कि उपन्यास में बहुत सारी सामाजिक समस्याएं आती है, राजनीतिक समस्याएं आती है, किसी व्यक्ति की मानसिक समस्याओं का वर्णन कहीं कहीं किया जाता है, तो उपन्यास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन बहुत सारी चीज़ों के कारण उसकी जो साहित्यिकता है उसको हम भूल जाते हैं। इसी तरह से जैसे कविता है, कविता एक तरह से आत्मा अभिव्यक्ति होती है। आप चाहो तो आप अपने मन में कोई भावना उठी, कोई तरंग उठी और आपने वो लिख दिया, लेकिन उपन्यास ऐसा नहीं होता। एक कलेवर उसका बड़ा होता है, थीम उसकी बड़ी होती है, और जिसे हम कहना चाहिए कि जो गैर साहित्यिक चीज़ें हैं वो उपन्यास में बहुत होती और वो उपन्यास में प्रमुखता का स्थान, प्रमुख स्थान ले लेती, लेकिन इसका जो फल होता है वो ये है कि उसकी जो साहित्यिकता है उसकी तरफ हमारा ध्यान कम जाता है। तो हमें उपन्यास पढ़ते समय, एक साहित्य के विद्यार्थी को पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना है कि ये भी एक प्रकार की साहित्यिक विधा है। उपन्यास की विशेषता यह है कि वो स्वयं अपने में कोई उद्देश्य नहीं होता। जैसे अगर आप कविता लिखते हो तो कविता के अंदर अपना एक उद्देश्य है, आपने अपनी मन मर्जी से आपने कल्पना की, आपके मन में कुछ विचार आया, उस विचार को आपने नाट्य रूप में अभिव्यक्त किया, या कोई डायरी का अनुभव था, जो मर्जी था आपने लिख दिया। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई वृहत उद्देश्य हो। तुलसीदास ने रामचरित मानस लिखा तो एक बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखे हुए लिखा, लेकिन ये सब कविताओं के लिए आवश्यक नहीं है। परंतु उपन्यास लिखने के लिए उपन्यासकार को अपने से इतर किसी विषय की ज़रूरत होती है। बिना किसी विषय के, बिना किसी दूसरे मुद्दे के आप उपन्यास नहीं लिख सकते। इसलिए उपन्यास में या तो सामाजिक सद्भाव की बात होगी, परिवार के विघटन की बात होगी, स्त्री अस्मिता की बात होगी, दलितों के पीड़ा की बात होगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो समाज में व्याप्त है, उनके साथ में एक रचनाकार का एक रिश्ता जुड़ता है। जब वो रिश्ता जुड़ता है तब उसे उपन्यास की रचना होती है। इसी के लिए हम कहते हैं कि उपन्यासकार अपने से इतर किसी विषय के बारे में लिखा जाता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक तरह की साहित्यिकता और कलात्मकता होती है। तीसरी बात जो उपन्यास के बारे में महत्वपूर्ण है, उपन्यास ने बड़ा जनतांत्रिक विधा है। प्रत्येक व्यक्ति जो साक्षर है वो उपन्यास पढ़ सकता है, और जब उपन्यास पढ़ेगा
तो उसकी ये कोई राय बन सकती और उसकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि उपन्यास कोई शास्त्रीय विधा है, इसका इतना छंद होएगा, इतने शब्द होएंगे, इतने अक्षर होएंगे, ऐसा कुछ नहीं। बहुत खुली विधा और इस खुली विधा को हमें समझना है और उसके लिए सूत्र इकट्ठा करना है। उन सूत्रों को इकट्ठा करने के क्रम में ही हम उपन्यास को समझ पाएंगे। बहुत सारे सिद्धांत हैं उपन्यास को समझने के, उन शास्त्रीय सिद्धांतों के अंदर जाएंगे तो अलग अलग तरह की बातें आएंगी और जिन्हें आप अलग से पढ़ेंगे। अभी हम पाठक के रूप में जब हम उस ऐसी रचना को पढ़ते हैं जो रचना अपने में खुली है और जो रचना लेखक को भी बहुत खुलापन देती है, उस रचना को एक पाठक के रूप में, एक पाठक कैसे पढ़ता है, एक आलोचक कैसे पढ़ता है, एक शोधार्थी कैसे पढ़ता है, इसकी तरफ आज हम चर्चा करेंगे। इस तरह उपन्यास को पढ़ना एक तरह से जीवन की पुनर्रचना को पढ़ने के समान है। एक दूसरे के जीवन में आप शुरू से एंटर होते हो, उसके अंदर प्रवेश होते हो और उसके जीवन से बाहर निकलते हो और बाहर निकल करके फिर आप अपने जीवन में आते हो और तब आप वापस आकर के फिर पीछे आप सारी रचना को देखते हो। आप पहले रचना के अंदर प्रविष्ट होते हो, प्रविष्ट होने के बाद में फिर जब बाहर से वापस उस रचना को देखते हो तब आपकी एक एक कहना चाहिए एक संपूर्णता में एक समझ बनती। ये जो संपूर्णता की जो समझ है यही समझ आपके एक उपन्यास की समझ होती है और तब आप उस उपन्यास के बारे में आप निर्णय कर सकते हैं कि मेला आंचल कैसा उपन्यास है, क्या वो शीर्षक महत्वपूर्ण है या उसके पात्र महत्वपूर्ण है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्रमुख पात्र, जिसको प्रमुखता से उपन्यासकार देना चाहता है, वो पात्र अपनी प्रमुखता खो देता है और दूसरे पात्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगते हैं, कथा का वो हिस्सा माने लेखक से छूट जाता है। तो ये जो छूटा हुआ हिस्सा या जो बाद में जो जुड़ा हुआ हिस्सा है, ये सब उपन्यास की कला को प्रभावित करने वाले तत्व हैं और इनको देख करके हम उपन्यास के बारे में कोई अंतिम निर्णय ले सकते हैं। जब हम उपन्यास को पढ़ते हैं तो उसके कथा के रस में हम डूब जाते हैं कि पात्र किस गति से जा रहा है, कहानी किस दिशा में जा रही है। लेकिन जब हम किसी उपन्यास को समझना चाहते हैं या जब हम उस किसी उपन्यास की आलोचना करना चाहते हैं या हम उस उपन्यास पर बात करना चाहते हैं तो हम उसके अंत से शुरुआत करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से लेखक ने इस उपन्यास की रचना की, उस उद्देश्य को जानना बहुत जरूरी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक सौंदर्य शास्त्री प्रश्न आता है कि लेखक का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, बहुत सामाजिक दृष्टि से उपयोगी हो सकता है, आपके लिए बहुत आपको बहुत ज्ञान देने वाला हो सकता है, बहुत समझ बूझ के भरा हुआ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर फिर उस प्रश्न की तरफ हम आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे कि वो जो विषय है, वो जो समस्या है, वो साहित्यिक बन पाई या नहीं बन पाई। प्रेमचंद ने किसानों के जीवन के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, ये जो प्रेमाश्रम है, प्रेमाश्रम में किसानों की समस्याएं उतनी शायद अच्छी तरह से कलात्मक रूप से नहीं आ पाई जितनी गोदान भाई। तो एक तरह से यदि किसी रचनाकार के पास में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई समझ नहीं है, जीवन का कोई ज्ञान नहीं है, तो कोई बात है जो वो कहना चाहता है, लेकिन वो बात महत्वपूर्ण भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा ये है कि वो जो बात है वो रचना रूप में परिणत होती है या नहीं होती है। बहुत सारे उपन्यासों की ऐसे आलोचना हुई है कि उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही है लेकिन वो कलात्मक आनंद नहीं आता। उदाहरण के लिए झूठा सच बहुत यशपाल जी का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है और सभी विद्यार्थी उसको पढ़ते हैं। उसकी आलोचना करते समय जो उसका दूसरा भाग है देश का भविष्य, उस पर कुंवर नारायण ने आलोचना करते समय कहा कि ये अखबारों की कतरन है, माने अखबार में जो घटनाएं थी, जो सूचनाएं हमारे सामने आई थी, जिनको हम पहले से जानते थे, उन सब का वर्णन और विवरण इन लेखक ने दे दिया है और इसलिए इसमें वो कलात्मकता नहीं। इसी तरह से जो पुराने उपन्यासकार हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, वृंदावन लाल वर्मा हैं, इन लोगों के अमृतलाल नागर है, इनके उपन्यासों का जो विवरण बोझिल है, बहुत सात पीढ़ियों का वर्णन कर रहे हैं, पहले उसमें ये हुआ फिर उसमें ये हुआ, तो ये जो विवरण प्रियता है वो भी कहीं ना कहीं कलात्मकता को के बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए उपन्यास को पढ़ते समय इन दो चीज़ों को अलग करने की जरूरत है। एक, उपन्यास का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा, वो जो उद्देश्य है वो कलात्मक रूप में रूपांतरित हो जाना चाहिए।
तो हमें सबसे पहले किसी रचना को देखते समय सबसे पहले हम इन दो मुद्दों को ध्यान में रख करके देखते हैं कि कहाँ तक तो वो साहित्यिक है और कहाँ तक वो अपने उद्देश्य में सफल है। सिर्फ साहित्यिकता है और कोई इसका उद्देश्य नहीं है रचना का, किसी जगह रचना आपको लेके नहीं जाती, तब हम मानते हैं कि उपन्यास जो है कोई बहुत बड़ा उपन्यास नहीं है। उपन्यास का ये जो कथ्य है, जिसको कहते हैं कि उपन्यासकार का जो उद्देश्य है, उपन्यासकार अपने उद्देश्य के समर्थन में बहुत सारे तर्क गढ़ता है और एक सजग पाठक के रूप में हमको उस कथ्य को और उसके तर्कों को अलग करके देखने की जरूरत है। संभव है कि उसके तर्क बहुत वजनदार हो, संभव है कि उसके तर्क कमजोर हों, लेकिन वो तर्क किस सत्य की सिद्धि करते हैं हमें उसे देखने की जरूरत है, और एक पाठक के रूप में हमें उनके तर्कों में उलझने की जरूरत नहीं है। तर्क जिसको स्थापित करते हैं वो उसका उद्देश्य होता है, इसलिए हमें उस उद्देश्य को के साथ साथ उसके दो भाग करके, कलात्मकता के अलावा उसको भाग करके, कि उपन्यासकार जो तर्क दे रहा है अपने कथ्य के समर्थन में, जिन पात्रों को हमारे सामने ला रहा है, जो घटनाएं उपस्थित कर रहा है, वो घटनाएं भी एक तरह से उपन्यास का तर्क है जो उस उद्देश्य की पुष्टि करती है, तो उन तर्कों को और मूल कथ्य को हमें अलग करके देखने की जरूरत होती है। तर्क हो सकता है सही हो, तर्क हो सकता है कि गलत हो, अधकचरे हों, कमजोर हों, लेकिन वो रचना रूप में किस तरह से सक्षम होता है इसे भी हमें देखने की जरूरत है। इसके साथ ही एक बात और ध्यान रखने की होती है कि हर उपन्यासकार के पास मानव समाज के भविष्य का एक नक्शा होना चाहिए। अगर आपके पास नक्शा नहीं है, अगर आपको ये पता नहीं है कि आगे आने वाला समाज कैसे होएगा, तो आप अतीत के समाज का विश्लेषण नहीं कर सकते, अतीत के समाज का वर्णन विवरण नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो बेजान होएगा। भले ही रचनाकार उस उद्देश्य को, जो नक्शा है उसको अभिव्यक्त न करता हो, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं, लेकिन वो नक्शा आपके पास होना चाहिए। और जिन रचनाकारों के पास भविष्य का नक्शा होता है, जैसे प्रेमचंद के पास भविष्य का नक्शा था, प्रेमचंद बराबर कहते थे थोड़ा समय आएगा जब अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे, जब जमींदारी प्रथा समाप्त हो जाएगी, तब ऐसा ऐसा समाज होएगा, वो एक नक्शा प्रेमचंद ने दिया और उस नक्शे के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जमींदारों का चित्रण किया। इसी तरह फणीश्वरनाथ रेणु है, हजार प्रसाद द्वेदी है, निर्मल वर्मा, हिंदी के जितने बड़े रचनाकार हैं उन रचनाकारों के पास में एक भविष्य का नक्शा है। इसी तरह आजकल स्त्री जो रचनाकार हैं, जो स्त्री अस्मिता को लेकर संघर्ष कर रही हैं, वो उनके पास में एक नक्शा है कि एक ऐसा समाज होएगा जब स्त्री और पुरुष के बीच में समानता की स्थिति होगी। इसी तरह से दलित समाज के जो लेखक दलित साहित्य लिख रहे हैं उनके अंदर रहता है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो असमानता की संस्कृति है वो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएगी, भले ही उपन्यास में न लिखा जाए। और कई बार ऐसा होता है कि यदि आपने भविष्य के उस नक्शे को रचना में लिख दिया तो बल्कि रचना कमजोर हो जाएगी। मसलन जमींदार विहीन गांव का चित्रण प्रेमचंद ने प्रेमाश्रम में किया तो बहुत आलोचक उसकी आज तक आलोचना करते हैं कि उपन्यास अच्छा नहीं। तो लेखक के पास एक भविष्य का नक्शा होना चाहिए, लेकिन उस नक्शे को अभिव्यक्त करे ये कोई आवश्यक नहीं। और अब इसका उलट भी होता है कि जब समाज के पास भविष्य का नक्शा होता है तब वो लेखक के पास भी होता है, और जिस दौर में समाज के पास भविष्य का नक्शा होता है उस दौर में अधिक अच्छे उपन्यास लिखे जा सकते हैं। सोवियत संघ के क्रांति के टाइम में बहुत उपन्यास लिखे गए सोवियत रूस में, इसी तरह भारत में स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में बहुत बड़े बड़े उपन्यास लिखे गए, क्योंकि सारा समाज, लेखक, पाठक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, सभी लोग उस नक्शे के साथ में संचालित परिचालित हो रहे थे और वो नक्शा उनको उपन्यास लेखन की दिशा में आगे बढ़ा रहा था। इसलिए इस नक्शे की वो भविष्य की जो कामना नहीं है, ये तरह कहना चाहिए कि ये कपोल कल्पना नहीं है, एक व्यावहारिक रूप से, एक समझ से भरा हुआ, एक चिंतन और विचार से भरा हुआ एक भविष्य का नक्शा उपन्यासकार के पास होना चाहिए। अगर वो नक्शा भले ही वो बहुत छोटा सा नक्शा हो, भले ही मानवीय संबंधों का नक्शा हो, स्त्री पुरुष का आपसी प्रेम संबंध किस तरह का होना चाहिए या परिवार में लोग कैसे रहें, ऐसा बहुत छोटा सा नक्शा भी हो सकता है, उस नक्शे को, नक्शा अगर आपके पास है तो वो रोशनी देता है, ताकत देता है आपके सारे उपन्यास के वर्णन क्रम को। तो उपन्यास पढ़ने के क्रम में हमें ये ढूंढना चाहिए कि इस लेखक के पास भविष्य का कोई नक्शा है या नहीं है। जब किसी रचनाकार के पास भविष्य का नक्शा नहीं होता है तब प्रकृतवाद और अनुभववाद का खतरा बढ़ता है।
जीवन का वर्णन करते हैं, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये पेन है, ये व्यक्ति यहाँ बैठा था, ये यहाँ बैठा था, ये खाया था, हरे रंग के पर्दे हैं, नीले, आप वर्णन विवरण करते चले जाओगे क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको कहाँ ले जाना। तो ये जो भविष्य का नक्शा है वो आपको आगे बढ़ाएगा, आपके पात्रों को गति देगा, इसलिए पात्र उसके हिसाब से परिचालित होंगे, आपके उपन्यास की घटनाएँ उस तरह से विकसित होंगी ताकि उस नक्शे की तरफ आप जाएँ, भले ही वो नक्शा आप बताएं नहीं, वो लेखक के पास होना चाहिए। इसलिए ये जो है ये उपन्यास के पढ़ने के क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बहुत सारे उपन्यास आप पढ़ते हैं, उन उपन्यासों का जो प्रवाह है, जो गति है, वो हमको आनंद देती है। मसलन जासूसी उपन्यास बड़े सामान्य उपन्यास माने जाते हैं, लेकिन पाठक उनको इसलिए पढ़ जाता है क्योंकि उसकी कथा में प्रवाह है। कश्यप उपन्यास अगर आप मनोज श्याम जोशी का पढ़ें या निर्मल वर्मा का रात का रिपोर्टर अगर आप उपन्यास पढ़ें तो उसके अंदर आपको ये प्रवाह दिखाई देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, समस्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आगे क्या समझ नहीं आता। मसलन एक नासिरा शर्मा का उपन्यास है जिंदा मुहावरे, बहुत अच्छे मुद्दे पर लिखा गया, मौलिक और अछूते विषय पर लिखा गया उपन्यास है, लेकिन उसमें उपन्यास में आप देखते हैं कि कुछ पात्र हैं जिनका निर्माण कर दिया गया है, और एक बार जब निर्माण कर दिया गया तो पात्र उसी तरह से चलते रहते हैं। जब कथा आगे बढ़ती है तो चरित्र विकसित नहीं होता और हर घटना एक पुनरावृत्ति की तरह लगती है, जैसे आज खाना खाया और कल दोबारा खाया, आज सोए कल और सो गए, ये घटना हुई वो, माने घटना जो मनुष्य के चरित्र को उद्घाटित करने का काम है वो नहीं कर पाती और सिर्फ सूचनाओं के आधार पर और जानकारियां देने लगती, ऐसे उपन्यास भी हमें कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगते। समस्या है, बहुत सही है, समस्या इस देश में, समाज में, विश्व समाज के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, और अगर आप उन समस्याओं का वर्णन करोगे तो हमको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, जानकारी हम अखबार से भी ले सकते हैं, तो हम उपन्यास क्यों पढ़ें? वो सिर्फ उन जानकारियों के लिए, उन तथ्यों के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि उस पूरी कथा की संरचना में बुन करके जो चीज़ आती है उसके लिए हम उपन्यास पढ़ते हैं। इसलिए वो जो उद्देश्य है या जो भविष्य का नक्शा है वो पात्र को विकसित करता, पात्र एक ही तरह का नहीं रहता। उपन्यास में आप देखते हैं हजार प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में जिस तरह से पात्र आते हैं, आचार्य देवरात आते हैं पुनर्नवा में, जैसे शुरू होते हैं वैसे ही नहीं रहते, बाद में उनका व्यक्तित्व तो बदल जाता है और इतना अधिक बदल जाता है कि अगर आप पहले की तुलना करेंगे तो आपको लगता है कि क्या ये वही पात्र हैं, वही आचार्य देवरात हैं जिनका वर्णन हजार प्रसाद द्विवेदी ने इसमें किया था, या बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। तो ये जो पात्रों का जो विकास होता है, पात्रों के का जो मूवमेंट होता है, जो गति होती है, ये आपको सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होकर के हमें समझ में आती। अन्यथा कई बार लेखक क्या करते हैं, एक समाज को देखा और उस समाज का वर्णन विवरण किया और वो सामाजिक समाज वैज्ञानिक जानकारियां हैं वो आपको दे देते हैं, या आपको उसकी भौगोलिक जानकारियां दे देते हैं, वो उसको हम कहते हैं कि उपन्यास रचना रूप में परिणत नहीं हो पाया। उपन्यास का ये जो उद्देश्य है वो सिर्फ उसके रचना तक सीमित नहीं है, और उद्देश्य सिर्फ लेखक की बपोती नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी दूसरी चीज़ों की भूमिका भी होती है, पाठक की सहभागिता की भी भूमिका होती है, समाज में व्याप्त विचारधाराओं के आपसी संबंधों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेखक जिस समाज से, जिस परिवेश से आया है वो भी अपने ढंग से एक भूमिका निभाता है, तो बहुत सारी चीज़ें मिल करके और उसकी उसका सृजन करती है, इसलिए लेखक अपने में बहुत महत्वपूर्ण। अब मान लीजिए कि कोई उपन्यास हमारे सामने आया, तो उपन्यास के जो शास्त्रकार हैं वो उपन्यास के 5-6 तत्वों का विवेचन करते हैं। आपने ई एम फॉस्टर की किताब पढ़ी होगी एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, जिसमें उन्होंने उपन्यास के 6 तत्वों का विश्लेषण किया, और भी बहुत सारे आलोचक हैं जो उपन्यास को टुकड़े टुकड़े करके देखते हैं। किसी भी रचना को जब हम पढ़ते हैं तो हम उनके टुकड़ों को नहीं पढ़ते, हम उसको समग्रता में पढ़ते हैं, हम पात्र को भी पढ़ते हैं, कथा को भी पढ़ते हैं, घटनाओं को भी पढ़ते हैं, उसकी भाषा को भी पढ़ते हैं। रेणु की भाषा आंचलिक है तो हमको उसको भाषा का सौंदर्य का भी एहसास होता है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को समझना चाहते हैं, जब हम समझने के क्रम में जाते हैं तो एक थोड़ा सा हम छोटा मोटा एक हिस्सा, काम चलाऊ हिस्सा हम कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उपन्यास को पढ़ते समय उसके 3 हिस्से हमको कर लेने चाहिए, और उन 3 हिस्सों में बांट करके हम उपन्यास को देखेंगे तो हमें उपन्यास बेहतर ढंग से समझ में आएगा। जैसे उपन्यास का जो पहला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं कि ये भूमिका,
दूसरा जो हिस्सा है वो उसका कथ्य है, कंटेंट, जिस मूल पर उपन्यास लिखा जाता, और तीसरा जो हिस्सा है वो उसकी परिणति, कहाँ तक वो जो कथा है वो पहुँच जाती। इन तीनों हिस्सों से एक उपन्यास को हम तोड़ करके उसको देख सकते हैं। अब आप, कई बार ऐसा होता है कि उपन्यास में तीन हिस्से होते ही नहीं, एक ही हिस्से में उपन्यास समाप्त हो जाता है। कई बार ये होता है कि उपन्यास का कोई एक हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण होता है। संभव है कि कोई ऐसा उपन्यास भी लिखें जिसमें भूमिका बहुत अच्छी है और जब मूल बात आई तो उपन्यास कमज़ोर पड़ गया, ऐसा हो सकता है। और उस भूमिका का जो वैभव है वो भी कोई छोटे मोटे उपन्यासकार का नहीं है। मसलन मनोहर श्याम जोशी का जो कश्यप उपन्यास है वो मुझे कई बार लगता है कि वो भूमिका में ही ख़त्म हो गया। भूमिका इतनी ज़ोरदार बनी कि मूल कथा जब आई तब उपन्यासकार भूल गया कि उसे क्या कहना था। ऐसा भी कई बार होता है कि भूमिका आपको अच्छी आती है और वो दूसरी चीज़ें आपको अच्छी नहीं आती, लेखक के रूप में अपने अनुभव की सीमा हो सकती है। तो भूमिका वाले हिस्से को आप समझ, कोई भी बात हम कहते हैं, मान लीजिए हमको किसी से पैसा उधार लेना है या किसी से हमारा कोई रिश्ता है, किसी को हमें कुछ कहना है, तो हम पहले भूमिका बांधते हैं। उपन्यासकार भी भूमिका बांधता है, इस भूमिका में वो कुछ सूत्र वाक्य बोलता है, कुछ ऐसी बातें बोलता है जिसमें आपको, पाठक को अपनी दुनिया से, हम तो एक सामान्य दुनिया के अंदर रहते हैं, उस सामान्य दुनिया से हटा करके उपन्यास की दुनिया के अंदर उसको लेकर के आते हैं कि भैया आप आइए हमारे इस दुनिया में, आप बाण भट्ट के आत्मकथा में, बाण भट्ट के साथ में आप मिलिए, मंदिरों के अंदर जाकर बाण भट्ट जो देख रहा है आप भी उसके साथ देखिए, गवाक्षों का वर्णन है, इसका वर्णन। तो जो भूमिका के द्वारा लेखक पाठक को पाठक की अपनी दुनिया से निकाल करके और फिर उसके उपन्यास की दुनिया में ले आता, और आप भूल जाते हो कि आपने अभी क्या किया था, क्या खाया था, क्या पिया था, आप उसके अंदर समझ, इसके लिए आता। दूसरी बात, उपन्यासकार इस भूमिका के द्वारा परिचय कराते हैं आपके पात्रों से। जैसे गोदान में होरी और धनिया जब पहली बार मिलते हैं तो आपस में छोटी मोटी नोक झोंक होती है कि साठे मद पाठे होते हैं, तो कहता नहीं हमारे जैसे नहीं होते, हम तो उसे पहले ही चल देते हैं आदि आदि, तो इस तरह की कोई अच्छी अच्छी सी बातचीत करके, और फिर धीरे धीरे आपको पता चलता है कि अच्छा इस उपन्यास में ये दो पात्र हैं, इनकी उम्र ये है, इनका परिवेश ये है, ये गाँव के रहने वाले हैं या शहर के रहने वाले हैं या रात का रिपोर्टर में, ये अलग अलग उपन्यासों में ये अलग अलग तरह से वो शुरू करता है, और उसमें कई बार बहुत दार्शनिक बातें कहता है, कई अच्छी अच्छी बातें भी कहता है जो बाद में भूल जाता है। लेखक जो भूमिका में जो बात कहता है और मूल उपन्यास के अंदर जब जाता है तो उसके बीच में कई बार पता नहीं चलता कि कब वो मुख्य उपन्यास के क्षेत्र में पहुंच गया और कब भूमिका समाप्त होगी। जब उपन्यास आता है तब हम दूसरे ढंग से उस रचना को देखते हैं, और भूमिका में जो कही हुई बातें हैं वो हमको याद ही नहीं रहती, मूल उपन्यास बिल्कुल अलग तरह की कथा कह देता है और फिर आप उसको चिंता ही नहीं करते कि उन्होंने पहले तो लेखक ने ये कहा था। तो ये भूमिका अपने ढंग से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो उपन्यास अगर आप इस संदर्भ में देखना चाहें तो एक उपन्यास है मुझे चांद चाहिए। मुझे चांद चाहिए उपन्यास में सिलबिल नामक एक कस्बाई युवती है, शाहजहाँपुर वासिनी, वो वर्षा वशिष्ठ के रूप में एक नायिका बनती है, और जो उसका जो वर्षा वशिष्ठ के रूप में जो जीवन है वो उपन्यास की मूल कथा है, और सिलबिल का जो जीवन है वो इस उपन्यास की भूमिका। इस भूमिका प्रकरण में लेखक सामान्यीकरण करता है, विचारवान वाक्य लिखता है, सूत्र अभ्यक्त करता है ताकि पाठक से लेखक का तादात्म्य हो सके। अपने पात्रों से परिचित कराते समय वे उनके बारे में अंतिम राय दे सकता है। भूमिका में ऐसी बातें अखरती नहीं। भूमिका खत्म हो जाने के बाद हमें बोझिल विवरणों से की प्राणहीन सुक्तियाँ नहीं चाहिए, तब हमें कुछ अलग चीज़ें मिलनी चाहिए। तब हम कुछ तनाव, द्वंद्व या नाटक चाहते हैं। तब हम कुछ ऐसा चाहते हैं जैसा हम खुद नहीं सोच पाते थे या भूमिका प्रकरण में लेखक स्वयं नहीं कह पाया था। ऐसा जब नहीं मिलता तब हमें लगने लगता है कि ये उपन्यास तो दरअसल भूमिका में ही खत्म हो गया, असल बात तो रचना में आई ही नहीं, या असल बात में वो बात ही नहीं थी जिसके कारण ये हुआ।
इसी तरह कश्यप उपन्यास 305 प्रश्नों का है और 253 प्रश्नों पर आकर के उपन्यासकार को लगता है कि अब उपन्यास समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रेम कहानी है, जिस प्रेम कहानी को लिखने के लिए बैठा था, ये प्रेम कहानी समाप्त हो चुकी है और नायक ने नायिका के निर्वसन शरीर पर चादर डाल करके वो अपना अमेरिका के लिए चला जाता है। दो नाम है एक पात्र के, एक बेबी है जो उपन्यास के शुरू के प्रश्नों में रहती है और उसके बाद में वो मैत्रेयी मिश्रा बन जाती है, एक आईएएस की पत्नी। तो जब वो मैत्रेयी मिश्रा बनती है तो उपन्यासकार ये जानना चाहता है कि मैत्रेयी मिश्रा के मन में अभी भी बेबी जिंदा है या नहीं। जब तक बेबी उपन्यास में रहती है तब तक वो उपन्यास पे राज करती रहती है, सारी कथा में सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। लेकिन उस बेबी की कहानी मनोज श्याम जोशी नहीं लिखना चाहते थे, मनोज श्याम जोशी मैत्रेयी मिश्रा की कहानी लिखना चाहते थे जो मैच्योर महिला, प्रौढ़ महिला है और उस प्रौढ़ महिला के भीतर अभी भी अपने बचपन का खिलंदड़ी प्रेम जिंदा है और वो बेबी जिंदा है, उस बेबी की कहानी लेखक लिखना चाहता था। लेकिन जो ही वो मैत्रेयी मिश्रा बनती है त्यों ही उपन्यास तो समाप्त हो जाता है। कारण इसका क्या है, ऐसा भी हो सकता है कई बार कि लेखक का जो जीवन अनुभव है वो बेबी के जानकारी तक तो सीमित है लेकिन वो मैत्रेयी मिश्रा को नहीं जानता, और चूंकि मैत्रेयी मिश्रा के भाव संसार से परिचित नहीं है इसलिए मैत्रेयी मिश्रा के जीवन की जटिलताओं का वर्णन आगे के भागों में हमें नहीं मिलता और इसलिए हमको बराबर ये लगता है कि ये जो उपन्यास है ये भूमिका में ही समाप्त हो गया। इसी तरह डूब उपन्यास है वीरेंद्र जैन का, जो एक बड़ी भारी एक समस्या को लेकर के बांध में जो गांव आ जाते हैं उनकी समस्याओं को लेकर के लिखने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन कुल मिला के थोड़ी देर बाद में वो चिंता ज़्यादा हो गई, रचना कम हुई। रचनाकार की चिंता उस समाज के साथ, उन लोगों के साथ में है और बड़ी मानवीय चिंता है, बहुत अच्छी आप उसको कह सकते हैं, लेकिन वो उपन्यास बन नहीं पाता। बहुत बार ऐसा होता है कि रचनाकार उसको उपन्यास को बना नहीं पाते और भूमिका में समाप्त हो जाता। कई बार एक पिच बनाते हैं, एक वातावरण बनता है, यहाँ पर आकर के सारे पात्र जो है वो खेलेंगे, अपना अभिनय करेंगे। जैसे उस चिड़िया का नाम एक उपन्यास है, तो उस उपन्यास में पंकज विष्ट ने बड़ा अच्छा सा वर्णन किया, पिता की मृत्यु हो गई, पात्र आए और फिर उसके बाद वो क्या क्या करने लगे, एक फोटोग्राफर है, कुछ कुछ अलग काम करता है। तो वो आगे चल करके जब वो पिच बन गया, जब वो भूमिका बन गई, तब उपन्यास आगे विवरण प्रदान हो गया। तो हम बराबर ये कहते हैं कि उपन्यासकार को जानना चाहिए कि कहाँ पर भूमिका है वो समाप्त हो गई है या कहां तक भूमिका चलती है और तब आगे की रचना आती है। तो ये भूमिका वाला जो हिस्सा है अपने में उपन्यास को समझने जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पाठक को भी ये जानना चाहिए कि कहां तक वो भूमिका में ही खेल रहा। अब उपन्यास का मूल कथ्य, इस मूल कथ्य में जितनी ताकत होती है, जितना वो महत्वपूर्ण होता है, वही उस उपन्यास की ताकत है, वही उस उपन्यास की शक्ति है। और जब इस क्षेत्र में यहाँ तक पाठक पहुँच जाता है, उस भूमिका वाले हिस्से को पार करके आता है, तो जो सबसे पहला काम एक पाठक करता है वो ये कि भूमिका वाले हिस्से को भूल जाता है और भूमिका किस तरह से घुल मिल करके उस मूल कथा के अंदर शामिल हो जाती है उसकी जानकारी तक किसी पाठक को नहीं होती, और तब लेखक की ताकत का पता चलता है कि लेखक को जिंदगी की कितनी जानकारी है, कितनी समझ है, कितनी अनुभव है और कितना उसने विचार किया है, कितना उसका चिंतन है, मानव चरित्र के विविध रूपों की कितनी तरह की जानकारी है। जब हम किसी उपन्यासकार को पढ़ते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, मान लीजिए हम फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों पर जब विचार करते हैं, तब हमको लगता है कि इस व्यक्ति ने, इस उपन्यासकार ने हिंदी को 30-40 पात्र दिए नए, या जब प्रेमचंद को देखते हैं तो हमको लगता है कि ये 10-12 पात्र उन्होंने दिए हैं, उन पात्रों को आपस में जोड़ घटा करके किसी किसी और नाम से वापस वो पात्र हमारे सामने आ जाता है। विनय है वो अमरकांत बन के आ जाता है, होरी कुछ और नाम से वापस आ जाता है, अगले उपन्यास में वही पात्र आ जाते हैं, वही विलासी है वो धनिया बन करके आ जाती है। तो एक तरह से आपकी समझ तो उस विलासी या धनिया उसकी एक ही समझ है, एक ही आप स्त्री पदार्थ को जानते हो, तो एक ही तरह के आपने पात्रों की सृष्टि की। तो जो उपन्यासकार जितने विविध प्रकार के पात्रों को हमारे सामने रखता है, हम वो कहते हैं कि ये उपन्यासकार ज़्यादा बड़ा है। और कई बार ऐसा लगता है कि रेणु की जो ताकत है वो इन मानव पात्र, बावन दास जैसा चरित्र उन्होंने गढ़ा, कमली की पीड़ा मेला आंचल में रेणु ही लिख सकते हैं और शायद ही किसी उपन्यास में कमली के जीवन या इसकी परेशानी का उन्होंने वर्णन किया। तो उपन्यासकार जिनको चुनता है, आपकी सारी ताकत
जो आपने अर्जित किया, जो आपका गैर साहित्यिक ज्ञान है या साहित्येतर ज्ञान है, उस ज्ञान की परीक्षा भी आपको मूल कथा को पढ़ते समय, उपन्यास के मूल अनुभव को पढ़ते समय आपके समझ में आ जाती है। और यहाँ पर अगर पाठक कन्विंस होता है, यहाँ पर पाठक अगर लेखक से सहमत होता है, यहाँ पर तो लगता है कि ये हमारे लिए लिखा गया उपन्यास है और हमें इसमें कलात्मक आनंद प्राप्त हुआ। फिर उपन्यास एक पाठ्य विधा है, इसका एक पाठक है। जब आप लिखते हो तो किताब प्रकाशित होती है और प्रकाशित होने के बाद कोई भी पढ़ सकता, तो ये एक तरह की जनतांत्रिक विधा। जिसको भी व्याकरण की, शब्दों की, भाषा की जानकारी होती है वो इस उपन्यास नामक रचना को पढ़ सकता। कविता के हो सकता उसको समझ नहीं आए, कोई व्यक्ति चाहिए जो सरल सी प्रतीत होने वाली पंक्तियों का भी अर्थ बताने वाला चाहिए। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे, कहने को तो बहुत ही सरल सी पंक्तियाँ, लेकिन इसका अर्थ विश्लेषण किए बिना इसके सौंदर्य तक आप नहीं पहुंच सकते। उपन्यास में ये समस्या नहीं है। उपन्यास में आपकी जो भी बुद्धि है, आपकी जो भी समझ है, जितनी भी आपकी संवेदना, कोई भी उपन्यास पढ़ सकता। जिसको भाषा आती है वो उपन्यास पढ़ सकता। तो एक तरह की ये खुली जनतांत्रिक विधा। और जब आप पढ़ते हो तो आप अपनी राय भी देते हो, क्योंकि आप जो है निष्क्रिय श्रोता नहीं हो। आप पढ़ने के बाद कहोगे कि अच्छा नहीं, या कह दोगे कि ये तो इसका वर्णन बहुत अच्छा किया। तो उसमें क्या होता है कि लेखक के साथ साथ पाठक भी आत्मान प्रवेश करता, वो भी कहता है कि अगर मैं होता तो ये क्या करता। अगर मान लीजिए गोदान में मेहता की जगह मैं होता तो मैं मालती को विवाह का प्रस्ताव कैसे देता, या किस तरह से मैं इसका वर्णन करता, या गोबर और जुनिया की जो मूर्खतापूर्ण प्रेम कहानी प्रेमचंद ने जो लिखी है, अगर मैं होता तो ये गलतियां नहीं करता। या प्रेमचंद का गोदान यदि जैनेन्द्र कुमार लिखते तो वो किस तरह से लिखते। जैनेन्द्र जी ने इस विषय पर एक लेख भी लिख रखा है कि मैं लिखता तो ऐसे लिखता। हर व्यक्ति सोचता है, जो ही पाठक पढ़ने बैठता है वो ये सोचता है कि इस पात्र ने ये गलती की, मैं होता तो ये गलती नहीं करता। इसलिए पढ़ने के क्रम में हम हर रचना की पुनर्रचना करते हैं। इसलिए पाठ प्रक्रिया का एक अर्थ होता है कि हम लिखे हुए को फिर से लिख देते हैं। इस तरह से बड़े रचनाकार को भी कि भी हम पुनर्रचना कर देते हैं। हम तो टॉलस्टॉय की पुनर्रचना कर देते हैं, वार और पीस होता तो मैं ऐसे लिख देता। और भले ही आपने एक पंक्ति नहीं लिखी हो जिंदगी में, उपन्यास का ऊ नहीं लिखा हो आपने, लेकिन पाठक के रूप में आप सारे पात्रों की पुनर्रचना करते हैं। एक दूसरी बात जो करते हैं वो ये आत्मान प्रवेश, आप अपनी गवाही देते हो कि मैं होता तो ये करता। तो गोदान में जो है होरी, मैं तो होरी को नहीं मारता, या कहता नहीं नहीं होरी तो मरता भाई, आप कुछ ही करो, लेकिन धनिया को मैं नीचे पछाड़ खा के जो नीचे गिरी वो नहीं करता। आपका अपना अनुभव, आपका अपना साक्ष्य आपको देना होता। अगर आपने साक्ष्य नहीं दिया तो आपने तोल करके दो दो चार और चार दो छः दो आठ दो दस आपने कर दिया तो वो आपकी आलोचना नहीं, इसका मतलब आप पाठक भी नहीं हो। और आपकी जो साहित्यिक पठनीयता है उसको भी कहीं ना कहीं से ये बाधा उत्पन्न करती है। तो ये दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है उपन्यास के पढ़ने के क्रम में। एक, उस उपन्यास की आप पुनर्रचना करते हो, आप नए ढंग से लिखते हो जहाँ लेखक से सहमत नहीं हो, और एक आप अपनी गवाही देते हो, अपना साक्ष्य प्रस्तुत करते हो कि हाँ ये जो रात का रिपोर्टर में निर्मल वर्मा ने लिखा है ये बहुत अच्छा, या मिट्टी का कजिन जो एक चितड़ा सुख उपन्यास निर्मल जी का है उसके अंदर जो बिट्टी के कजन के रूप में मैं रहता तो मैं कैसे रहता, या बिट्टी को मैं अगर निर्मित करता तो मैं किस तरह से बना देता। तो ये जो आपका अपने सृजनशीलता है, पाठक की सृजनशीलता भी उपन्यास पढ़ने के दौर में जागृत होती है। या कई बार आपको लगता है अरे ये क्या कर रहा है यहाँ, तो ये इसके लिए खतरा, इसको रुक जाना चाहिए इस पात्र को, और ये रुका नहीं, ये देखो मैं कह ही रहा था कि रुके नहीं, इसका तो नुकसान हो जाएगा और ये नुकसान हो गया। तो हेलो, मैं तो ये सोच रहा था कि इसका नुकसान होएगा लेकिन ये तो हुआ ही नहीं। तो आप कहीं न कहीं प्रकार से आप एक निष्क्रिय ग्रहिता के रूप में नहीं होते, एक सृजनकर्ता के रूप में आप उपन्यास में प्रवेश होते हो, और जो उपन्यास आप पढ़ते हो उसका एक प्रयास। तो इसलिए हर पाठक एक ही रचना को नहीं पढ़ता, अपने ढंग से जो पुनर्रचित रचना है उस रचना को पढ़ता है, और इसलिए उपन्यास विकसित होता रहता है, कथा साहित्य विकसित रहता। रामचरित मानस भी आज वो नहीं है
जो पुराने जमाने में रामचरितमानस पढ़ते थे और आज हम जो मानस पढ़ते हैं, तो हमने विकसित कर दिया। पाठक अपनी संवेदनाएं उसमें डाल देता है, युग अपनी संवेदनाएं उसमें डाल देता है, उसका अर्थ बदल जाता है, इसलिए रचनाओं में भी परिवर्तन होता है। और उपन्यास पढ़ने के क्रम में हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम उपन्यास पढ़ चुके होते हैं, तब हमारे सामने हम उसको एक तरह से कहना चाहिए, उसको अंक प्रदान करते हैं। पहली प्रतिक्रिया हमारी ये होती है कि ये उपन्यास कमज़ोर है। और क्यों कमज़ोर है? क्योंकि इस उपन्यासकार को तो वो बातें भी नहीं पता जो मुझ जैसे साधारण मनुष्य को पता। अगर कोई रचना मेरे अनुभव संसार से नीचे की है, न्यून है, तो हम कहेंगे कि ये रचना अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ अपने आप को, पाठक अपने आप को मानता है, भाई मैं तो कमज़ोर आदमी हूँ ना, लेखक तो बहुत महान होता है, तो उसको तो ये बातें आनी ही चाहिए ना। अब कितना बजा है, प्रेमचंद ने जो है कह दिया कि होरी जो है 10 बजे होंगे, होरी ऐसे सोचता है। अब 10 कैसे बजा सकते हैं भाई, 10 तो बजते ही नहीं, होरी के पास तो घड़ी नहीं होती थी उस जमाने के अंदर, प्रेमचंद के पास घड़ी थी। अपनी बात इन्होंने डाल दी, ये क्या किया इन्होंने। तो ये उन रचनाओं पर, जो रचना पाठक के अनुभव से नीचे के स्तर की होती है, उस रचना को पाठक खारिज कर देता है, कहता है कि ये रचना तो अच्छी नहीं। दूसरे प्रकार की उसकी प्रतिक्रिया ये होती है कि हाँ भाई ये रचना है ना अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि इसमें वो सब बातें हैं जो मैं जानता हूँ, मेरे अनुभव को, मेरे समझ को पुष्ट करती है, और मैं तो समझदार हुई, ये उपन्यासकार भी समझदार है, ये भी अच्छा है। तो एक तरह को कहना चाहिए कि रचना का मूल्यांकन करते समय वो कहता है कि गुड्डी गुड्डी है, अच्छा अच्छा है, और ये भी समझदार, मैं भी समझदार, और एक तरह से अच्छा उपन्यास है। कैसा है? अच्छा। आपको मिला क्या? मिला कुछ नहीं, पहले से जो मैं जानता था वही बातें उसके अंदर आई, तो ये एक तरह का सामान्य। तीसरी प्रतिक्रिया होती है कि ये उपन्यास बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें वो बातें हैं जो मैं नहीं जानता था। और इस तरह पराजित होकर के, उपन्यासकार से पराजित होकर के पाठक उसका प्रशंसक बनता है। ऐसी ही रचनाएं श्रेष्ठ होती है जो मेरे अनुभव का विस्तार करें। मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने तो चीन, जापान, अमेरिका, कनाडा कुछ भी नहीं देखा, और इस आदमी ने इनका वर्णन कर दिया, अरे मेरे लिए तो ये बिल्कुल नई जानकारी है। जो मैं नहीं जानता वो अगर किसी रचना के अंदर है, तो वो रचना अच्छी है, क्योंकि वो मेरे अनुभव का विस्तार करती है। इसलिए इस स्तर पर कोई भी पाठक उस रचना को पसंद करता है जो मुझसे श्रेष्ठ हो, जो उस पाठक से श्रेष्ठ हो, उसका ये ध्यान रखते हैं। एक और बात जो उपन्यास को पढ़ते समय ध्यान में रखने की होती है कि एक पाठक के पास तो एक अच्छे उपन्यास की परिकल्पना नहीं होती, लेकिन एक आलोचक के पास में और एक सजग ग्रहिता के पास में एक अच्छे उपन्यास की परिकल्पना कई सारे उपन्यासों को पढ़ने के बाद विकसित हो जाती है। जिस व्यक्ति के पास में ये एक अच्छे उपन्यास की परिकल्पना नहीं होती, वो उपन्यास का पाठक मात्र रहता है, वो उपन्यास का आलोचक नहीं रहता। उसको पता होना चाहिए कि ये श्रेष्ठ रचना होती। अब आपने जो पैमाना बनाया कि ऐसा ऐसा होने पर रचना श्रेष्ठ होती, अगर कोई रचना वैसी वैसी है तो आप कह देंगे कि ये बहुत अच्छा, अगर कोई रचना वैसी नहीं है तो आप कह देंगे कि गलत है। ये मैकेनिकल, जिसको कहना चाहिए मशीनी आलोचना को आमंत्रित करती है। एक अच्छी रचना आपके अच्छी रचना के पैमाने को ध्वस्त कर दे सकती है, और जो रचना आपके पैमाने को ध्वस्त कर दे वो रचना सचमुच में बड़ी है, और उसका एप्रिसिएशन, उसकी तारीफ आलोचना में करते हैं। मान लीजिए बाण भट्ट की आत्मकथा में बाण भट्ट और भट्टनी जैसा चरित्र तो हिंदी उपन्यास में था ही नहीं, और वो एकदम ही नए ढंग का पात्र हमारे सामने आया, तो उपन्यास की पूरी संरचना संबंधी जो आलोचकों की समझ थी, उस समझ के सामने प्रश्नचित लगा दिया। तो जो नए उपन्यास की, अच्छे उपन्यास की परिकल्पना का विस्तार करता है, जो आपकी इमेज का विस्तार करता है, वो उपन्यास सचमुच में बहुत बड़ा होता है, और उसको हम कहते हैं कि इसने उपन्यास में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन किया है। तो इसके विकास क्रम में इस तरह के उपन्यासों को हम छांट करके रखते हैं कि ये हमारे आलोचना की या लेखक की उस उपन्यास संबंधी धारणा में परिवर्तन करता है। और जिसकी धारणा में कोई परिवर्तन नहीं होता वो थोड़ी देर बाद जड़ हो जाता है, और जिसके पास कोई धारणा नहीं होती वो हर उपन्यास की एक जैसी आलोचना करता है, हाँ ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, तुम भी अच्छे, मैं भी अच्छा, तो सब अच्छा। माने आपको एक श्रेष्ठ रचना का पैमाना तो पढ़ते समय निकालना ही होता है, जो इनके द्वारा विकसित नहीं होता। इसलिए सारा शास्त्र समझ लेने के बाद भी एक बिंदु ऐसा आता है जहाँ आलोचना करना असंभव हो जाता है। पाठक और आलोचक सिर्फ सराहने के स्तर पर आकर ठहर जाते हैं। इसी तरह से
हम कह सकते हैं कि लेखक जब रचना का प्रारंभ करता है तो पात्रों से परिचित कराता है, उनके जीवन की गति तय करता है, और उसके बाद वो जो पात्र हैं वो लेखक से स्वतंत्र होते जाते हैं। उपन्यास का अंत होते होते वे कृति उपन्यासकार से पूर्णतः स्वतंत्र हो जाती, उसे कैसे समाप्त किया जाए ये पहले से ही निर्धारित हो जाता है, या ये समस्या आती लेखक के सामने। जैसे उदाहरण के लिए जो प्रेमचंद का गोदान है, गोदान में किसी भी तरह से आप होरी को जिंदा रख ही नहीं सकते, क्योंकि उसके जीवन की गति जिस तरह की है वो उसके उसको निश्चित कर देगा कि आपका आपका यही होना। तो जो गति है, लेखक चाहे जबरदस्ती का भी अगर परिवर्तन करना चाहे तो नहीं कर सकता। तीसरी कसम जो कहानी रेणु की है, उसमें हीरामन और हीरा भाई नहीं मिल सकते, क्योंकि वो कसम खाई है, तो उस कसम के बिना तो उस कहानी का सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। तो अंत जो होता है वो पहले से तय हो जाता है लगभग। लेकिन यहाँ पर एक और सौंदर्य शास्त्रीय समस्या है, वो ये है कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे रचनाकारों को उपन्यास को बंद करना नहीं आता कि अब इस कहानी को कैसे समाप्त करें। आपने शुरुआत की, बहुत अच्छा उठान किया, बीच में आपने बहुत अच्छा वर्णन किया, सब चीज़ों को ठीक जगह पर स्थापित कर दिया, अब लेकिन रचना को तो आपको समाप्त करना है ना, तो उसको समाप्त कैसे करें। ये एक तरह की कला है और वो बहुत ही कम रचनाकारों को आती। इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाण भट्ट की आत्मकथा में एक समाधान ढूंढा। वो ये है कि बाण भट्ट की आत्मकथा हमें खंडित प्रति प्राप्त हुई, अधूरी मिली, और अब इसलिए बंद करने की जरूरत ही नहीं, वो आपने एक ओपन रख दिया। एक उसमें होता है कि आप खुला रख दो कि पता नहीं पात्र किधर जाएंगे। जैसे मेहता और मालती का जो रिश्ता है वो खुला है, आप बना ही नहीं उसमें आपस में। तो ये जो उपन्यास है, आप उपन्यास को एक तार्किक परिणति तक ले जाएं ये कोई आवश्यक नहीं है। कई बार रचना लेखक के तर्क से परे हो जाती है, कई बार अंदर से उसकी परिणति निकलती, कई बार लेखक को समझ में नहीं आता, क्योंकि जीवन की जो अंतिम परिणति है वो कई बार हमारे हाथ से छूट जाती है, और इसलिए कहते हैं क्या पता आगे मिलना होगा कि नहीं मिलना, अब आगे क्या होगा इसके बारे में, भविष्य के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो रचना का जो अंत है वो अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह हम देखते हैं कि कश्यप में जो नायक है डीडी तिवारी, वो गंगोली हाट की पहाड़ी पर बैठा हुआ रो रहा, उसको कुछ समझ में नहीं आया, लेखक को भी समझ में नहीं आया कि वापस वो मैत्रेयी मिश्रा मिलेगी या नहीं मिलेगी, जिसने अभी अभी उसके पैरों के जो जूते हैं, जूतों के फीते बांधे थे। वो जो मारघाट कॉम्प्लेक्स में गुंथा हुआ जो उपन्यासकार का जो मुख्य पात्र है, उस उपन्यासकार को मालूम नहीं है कि अब इस रिश्ते का क्या करें। जो प्रेम तो था, प्रेम तो है और याद है, और नायक को भी याद है, नायिका को भी याद है, लेकिन उसकी कोई गति नहीं। तो गति नहीं है तो आपको बताना होगा कि आइंदा से फिर कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो क्या होगा, नहीं मिलेंगे तो क्या होगा। तो ये उपन्यासकार इसे एक अधूरा छोड़ देते हैं, और जिसे कहना चाहिए कई बार कि एक रोमांटिक अवसाद के अंदर उपन्यास को समाप्त कर दिया जाता है, ताकि पाठक उस अवसाद में बहुत देर तक रहे। लेकिन ये उपन्यासकार की अपनी वो कमी कई बार होती है। इसी तरह स्वाधीनता आंदोलन में सारे जो पात्र हैं वो संघर्ष कर रहे होते हैं आज़ादी के लिए, दीवाने ये हो रहा, लेकिन देश आज़ाद तो नहीं होता उपन्यासों में। अगर उसमें देश आज़ाद हो जाए, जो कि उपन्यासकार का उद्देश्य है, तो वो कहेंगे कि ये रचना पे उद्देश्य हावी हो गया और इसलिए ये सही नहीं। ये एक तरह की जिसको कहना चाहिए कि विशफुल थिंकिंग होगी। आप चाहते थे कि ऐसा हो जाए इसलिए वैसा हो गया, या सबके जैसे दिन पड़े, ये नीति कथा की तरह, जो सब दुख है सबका जिस तरह जैसे ये मिले थे, भगवान सबको ये वापस मिलवाएं, इस जगह पर आकर के रचना खत्म होती है। तो जो सौंदर्य शास्त्री, हमारे जो उपन्यास के सौंदर्य शास्त्री है, वो कहते हैं कि ये रचना की कमजोरी है। रचना का जो समाहार लेखक करता है उसमें भी लेखक की विचारधारा, लेखक की समझ, और सबसे बड़ी उसके कलात्मक संयम की परीक्षा होती है। यहाँ पर उसके विचारों की परीक्षा नहीं होती, कला की परीक्षा होती है कि अब आपने जो इतना जीवन फैला दिया है, इस जीवन को आप कैसे एक निष्कर्ष के अंदर समेट
करके ले जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा अब्दुल्ला हुसैन के उदास नस्लें उपन्यास की तरह आप उदासी के अंदर आप रह जाते हो, या आपने उदासी के अंदर लेखक को छोड़ दिया। तो ये जो पात्रों का जो जीवन है और जो उद्देश्य को लेकर के रचनाकार चलता है और जिस निष्कर्ष पर आता है, वो निष्कर्ष अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और वहाँ पर आपके दूसरी चीज़ों की परीक्षा होती है जो शुरुआत वाले में नहीं होती। इस तरह उपन्यास को पढ़ना एक तरह से जीवन की पुनर्रचना को पढ़ने के समान है। एक दूसरे के जीवन में आप शुरू से एंटर होते हो, उसके अंदर प्रवेश होते हो और उसके जीवन से बाहर निकलते हो और बाहर निकल करके फिर आप अपने जीवन में आते हो और तब आप वापस आ करके फिर पीछे आप सारी रचना को देखते हो। आप पहले रचना के अंदर प्रविष्ट होते हो, प्रविष्ट होने के बाद में फिर जब बाहर से वापस उस रचना को देखते हो तब आपकी एक संपूर्णता में एक समझ बनती। ये जो संपूर्णता की जो समझ है, यही समझ आपके एक उपन्यास की समझ होती है और तब आप उस उपन्यास के बारे में आप निर्णय कर सकते हैं कि मेला आंचल कैसा उपन्यास है, क्या वो शीर्षक महत्वपूर्ण है या उसके पात्र महत्वपूर्ण है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्रमुख पात्र, जिसको प्रमुखता से उपन्यासकार देना चाहता है, वो पात्र अपनी प्रमुखता खो देता है और दूसरे पात्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगते हैं, कथा का वो हिस्सा माने लेखक से छूट जाता है। तो ये जो छूटा हुआ हिस्सा या जो बाद में जो जुड़ा हुआ हिस्सा है, ये सब उपन्यास की कला को प्रभावित करने वाले तत्व हैं और इनको देख करके हम उपन्यास के बारे में कोई अंतिम निर्णय ले सकते हैं।